अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। भागो, डायन आ गई, डायन आ गई। क्या मैया, ये सब सुनने के पहले आप मर काहे नहीं गए? बताइए, ऐसे जूता कोई भिगा भिगा के मारता है? भौजी, हमको डायन पुलिस पसंद है, आपको डायन नहीं बोला? हाँ, पापा तो अभी अभी जो स्पेसशिप में लैंड हुई है ना, उसको डायन बोल रहे हैं। अरे बताना, जरूरी था, जरूरी था। लेकिन पापा, वो तो अभी आई गई है ना, -930 स्क्वायर उर्फ 2x2। अरे वो जो हमारे ग्रह से आई है ना वो। अरे हमारी तो कोई बात सुनिए, कहाँ हो वही रहो। कौन आया है? सवर भैया की मंगेतर। ओके मैया, अरे मानव एकदम टाइट पकड़ के रखना, ये स्पेसशिप का दरवाजा खुला और एलियन बाहर आ गया और दौलत राम ने देख लिया किसी को तो बोरा। रोनी भैया बोलिए, गिरा दूंगा ऊपर। अकबका जाता है। अरे एक मिनट मैन, बोरीवली में नया मॉल खुला है, मॉल का नाम क्या है? द मॉल। अगर दौलत राम ने किसी एलियन को उतरते हुए देखा तो धमाल हो जाएगा। अरे धमाल तो मैं मचाऊंगा अगर तूने हिंदी का बैंड बजाया तो। धमाल होता है धमाल, तुम समझा? चुप रहो। धमाल तो मचने ही वाला है, आज नहीं तो कल, क्योंकि घोटालों ने किया है दौलत राम के साथ छल। एलियन परिवार के छोरे ने इंसानी छोरी से कर ली शादी और माखन का दादा एलियन है, एलियन है माखन की दादी। पापा अद्भुत। अभी तुमको एक और चीज बहुत अद्भुत लगेगा। क्या? क्या माँ? अरे क्या भैया, क्या कर रहे हो आप? कोई ऐसे करता है क्या? ये वक्त नहीं है लड़ने का। मानो दरवाजा खुल रहा है। अरे देख क्या रहे जामन। रोनी भैया, इस बार हाथ मत उठाना प्लीज। देखो यार, टेंशन का माहौल में ये बीच बीच में बोलते रहता है। अच्छा ठीक है, एक तो टेंशन पे सुना देते हैं। चंद्रभान मौसा चुप बैठे, वो मारेगा वो। यार मतलब कैसा मूर्खाधिराज है ये घोटाला का कर है? इन लोग के साथ रह करके हमारी बेटी भी मूर्खाधिराज नहीं हो गई है? इसको पता चल गया है कि इसकी सौतन आ गई है, फिर भी छेड़े जा रही है उसको। ही नहीं कि लतियाद है, जुतियाद है, थपड़ियाद है, दांती काट ले, नोच ले, पकोट ले। हम तो मजाक कर रहे थे। हम बहुत सीरियस हैं और हम सीरियसली कह रहे हैं कि हेमंत बाबू के बात में कितना मलाई है, ये जानने के लिए हम खुद स्पेसशिप देखने जा रहे हैं। बॉस, होने वाले ससुर जी कौनची, वो देखने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ खिड़की से भी देख सकते हैं। शाबाश, आहा। फिर तू बोला गेंडे। अरे वो जा रहे हैं। होने वाले ससुर जी, हम लोगों ने आपको यहाँ से कवर कर लिया है, अब एक काम कीजिए, आप ये वाली खिड़की के पास जाइए। कबड्डी खेलना है? हरदी गुरदी बुलवाएंगे बॉस, उस पर कबड्डी खेलिएगा। सील कबड्डी आस लाल, मर गया प्रकाश लाल, तेरे मुझ लाल 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 लाल। पापा, पापा जी भाग जाएंगे, रोकिए उनको। अरे तू ऊपर खड़ा रह के सिर्फ ऑर्डर क्या दे रहा है? क्योंकि हमें अभी जो खुशखबरी सुनानी ना। लाफा दूंगी तुझे, खुशखबरी सुना रहे। हौसला क्या बढ़ा रहा है? पीछे से खींच रहा पत्थर है। और दे तो भैया। देखिए, मान हानि का दावा हो रहा है बॉस, हनन हो रहा है हमारे मानव अधिकार का।
अरे बकलोला सब खड़ा होकर के ताली का बजा रहा, दांत का निपोरे हुए, जाके देखो बाहर। हम अभी जाके देखते हैं। ठहरो, हम जाकर देखते हैं। तुम साहब को देखो, देखो कितने गिरे हुए हैं। है झुमरू आ रहा, उठाओ। साहब बाहर कोई स्पेसशिप नहीं है, हेमंत बाबू झूठ बोल रहे थे। हमको तो मालूम है था चंडाल, तुम इन लोग के साथ मिला हुआ है। अब हम अपने जाकर के देखेंगे कि स्पेसशिप आया कि नहीं। ये मैया बॉस स्टील कवर। रुक माना बेटा, मैं भी आता हूँ। देख लीजिए क्या क्या कर रहे हो पापा ये। अरे ओ, ये क्या टाइम पास कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, ये टाइम है क्या मस्ती करने का? अरे नहीं नहीं रॉनी, मैं तो अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने गया ताकि उसे ऐसा लगे कि वो अकेला नहीं है, उसका बाप भी उसके साथ है। चुप रहो मैन। हिम्मत बढ़ा रहे थे कि नाव चला रहे थे? मानव बेटा कर तो उसको छोटा, जैसे होता है लोटा, और ले चलो अंदर। अरे चुप रहे, अभी एक भी बार बोला तो इधर ही मारूंगा पटक पटक के। मानव तुम एक काम करो, मैं स्पेसशिप के अंदर जाओ और उनको समझाओ। पर रॉनी, दौलत राम अगर बाहर आ गया और उसने स्पेसशिप देख ली तो हम उसे क्या बोलेंगे? अरे हम है ना, हम बोल देंगे कि हमको अंतरिक्ष यान पे कविता लिखना था और हमको प्रेरणा नहीं मिल रहा था, इसलिए नकली अंतरिक्ष यान मंगवाए। बस सुनो। हाँ तो ठीक है, सुना देते हैं। मोर के पंख बिक गए, हो गए वो दो चार पंख वाला मोर, जो भी दो चार पंख बचे थे उसे चुरा के ले गए मारवाड़ी चोर। मोर नहीं बोली मोर से, अब नहीं होगा तुमसे सम्मान, क्योंकि दिखने में अब तुम लगते हो जैसे लुखे पड़ोसी गोवन। बाबा अद्भुत। रॉनी हरे को लुखा पड़ोसी बोला, गोवन पड़ोसी नहीं। उसका तो मैं हिसाब बाद में लेंगा, लेकिन पहले तुम बोलो इसमें अंतरिक्ष कहाँ से आया? नहीं 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 आया, बहुत कोशिश की नहीं आया, माँ कसम हमको लगा कि आ जाएगा लेकिन आया नहीं। लेकिन अंतरिक्ष यान पे कविता लिखने का प्रेरणा आया ना, ये बोल देंगे दौलत राम को। अच्छा हाँ, और अगर वो नहीं माना तो? हे तो कविता ठोक देंगे। ये देखो गिरीश के तन, ऐसा लग रहा है जिसे मतलब कोई जादू टोना कर दी है, एकदम बुद्ध की तरह खड़ा हो गया है सब। क्या है बॉस? है जुमरू जी साहब, इससे बड़ा जादू भी कोई हो सकता है क्या? नहीं साहब, इससे नहीं हो सकता है। हो सकता है बेटा। कहां साहब? वर्षा भौजी की आंखों में एक नजर ही दोनों को देखी होंगी, या देखो दोनों का खेला हो गया बॉस। क्या भाई साहब आप नहीं सच्चे कह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या भाई साहब सॉरी, हम आपको ऐसे थोड़ा प्लीज बाहर जाने नहीं दे सकते। हाँ। काहे नहीं जाने देना चाहते हैं आप? क्योंकि पापा अगर आप चले जाएंगे तो हम आपको कैसे बता पाएंगे कि आप फिर से नाना जी बनने वाले हैं? तेरी हाँ? अरे हाँ? कौन सी हाँ? आप नाना, आप दादी, आप दादा और आप चाचा फिर से बनने वाले हैं। दादी आप मतलब कितने बच्चे होने वाले हैं? एकदम बकथोतरे रहेंगे होने वाले दामाद जी। अरे चुमरू दर्दा उड़ा दिया बॉस, एक काम करो सबको मिठाई खिलाओ और तबेला में सब भैंसा को लस्सी पिलाओ।
जी हम प्यार के लाला क्या पैदा किए हो? समर जल्दी नीचे आओ, ये तो खुशी का मौका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आंटी आंटी वो तो गर्दन में क्या है ना वो सर, संभालो। अब तो आपने सुपर पावर भी दिखा दिया, अब बता ही देते हैं ना कि हम इंसान नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आए हुए परग्रहवासी है, एलियन। भैया मारे को लागे हाई कमान ने हमारे साथ मजाक किया है, कोई नहीं आया। हमारी बात मानो, हम लोग कबाड़ी को बुलाते हैं और ये स्पेसशिप बेच देते हैं, 15-20 हजार तो मिल ही जाएंगे, क्यों ना नहीं? पापा मौके की नजाकत को समझिए। हाँ मान, नजाकत क्या है? नजाकत का मतलब पूछे बिना रह गए थे क्या आप? सॉरी सॉरी, तो एक्चुअली ये स्पेसशिप से कोई निकल ही नहीं रहा है मैन। थोड़ा शांति रखोगे तो बाहर आएगा ना। मेरे को लग रहा है ये स्पेसशिप पूरा अकबका जाता है भाई। चल चल घर चलते चल। अरे रुको मैन, वो ब्लैक नाइट को हिंदी में कैसे बोलेगा? काली रात। हाँ मेरे को लग रहा है अंदर कोई नहीं है, स्पेसशिप पूरा काली है। अगे मैया, एलियंस, ये पापा आ गई। ये कौन है, कहां से आई? ये वो बहू मेरी बेटी नहीं, समधन दहेज देती नहीं मैं अमावस की रात को, चुड़ैल ना ऐसे आती है ऐसे थोड़ा भेड़िए का खून पीने के लिए, तो उसके से लंबे दांतों से ऐसे, इसके दांत लंबे नहीं है, इसके फोल्डिंग वाले दांत है, वो सोफा का हम डबल बेड होता है ना, ऐसे 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 करके अंदर चले जाते। हाँ तो क्या है, चुड़ैल आती है और जो हिरण होती है ना वो चुड़ैल को अपनी मौसी ने समझती है और फिर ऐसे छिंग छिंग। कहानी क्या सुनाने बैठ गए? हाँ मतलब कहने का मतलब ये था कि ऐसे ये उसका उस विशलता का रूप लिया है इसने। चांदी का छल्ला तो हमेशा कमर पर लटकता है बाबू, लेकिन जब उसकी छनछनाहट होती है ना तब झूमर को एहसास होता है कि ये तो एक शोपीस है। मतलब मुझे नहीं पता। नहीं वो भी ऐसे ही कुछ बोलती रहती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो है ना ये
रोल में घुस गई है। हाँ, लेकिन इसके यहाँ आने के पीछे तो कोई कारण होगा ना, कि ऐसा ही मुंह दिखाई करने आ गई। नहीं नहीं, होने वाले ससुर जी, इनकी समर भैया के साथ सगाई होने वाली थी और लॉजिकली समर नीचे आ गया तो ये बहू मेरी बेटी नहीं, समदन दहेज देती नहीं कि वैम का रूप लेके आ गई। नहीं नहीं पापा, मुझे इससे सगाई नहीं करनी थी, ये वन साइडेड था। हाँ हाँ, वन साइडेड तो वन साइडेड, लेकिन मैं तुम्हें ये सब से लेके जाऊंगी। कि भैया सब कहां से आ रहा है? तो तुम भी हो हाई कमांड के बेटे जिसने मुझे बाहर रोकने की कोशिश की पर तुम शायद ये भूल गए कि चांद को लगता है कि दुनिया उसकी वजह से रोशन है, पर उसे नहीं पता कि चांद के पीछे एक अमावस की काली रात होती है और जब वो अमावस की काली रात आंखों में बसती है ना, तो काजल की क्या बिसात। क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता। तो बकथोथरी बोलती क्या है, दिमाग खखुआ दिया तब से। एक तो हमारी बेटी के साथ धोखा हुआ है बॉस, बिना बताए एलियन में ब्याह कर ली, बच्चा पैदा कर दी। नहीं 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 पापा, समरू ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। देखो अभी भी हाँ। इनफैक्ट इसने तो मुझे बता दिया था कि एलियन है। हाँ? है? तभी तो मैंने इससे शादी की इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है समरू ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। देखो अभी भी इनफैक्ट इसने तो मुझे बता दिया था कि एलियन है। हाँ? है? तभी तो मैंने इससे शादी की इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। धोखा? धोखा मेरे साथ हुआ है, सगाई मेरे साथ होने वाली थी और विदाई तुम्हारे साथ कर ली। कम ऑन पर ये शायद भूल गया कि चने का छिलका। हाँ हाँ, बाकी सब हमको पता है। टू बाई टू। देखिए दौलतराम जी, सगाई की जो बात कर रही है ना, उसका भी कोई मतलब नहीं। सिर्फ सगाई की बातचीत चल रही थी, लेकिन इसका पागल बिहेवियर देख के सबने मना कर दिया। वसंत भैया, हिस्का कुछ देर कटुबर से था, हिस्से से नहीं, अच्छे लहसुन। यहाँ सिंगाड़ा। यू बिच भाई, यू बिच प्याज। यहाँ पहली लैंग्वेज। कल चाइनीज़ बोल रहे हैं। तुमको पता है चंडाल, तुमको तो भाई इसका आवाज़ नहीं पता चलता है, हैं? सब्जी कौन सी बनानी? हम समझ गए, हम समझ गए। ये सारा बाजी कर रहा है। इन लोग यहाँ से रफा दफा होने के चक्कर में है। हम बीआरवा एजेंट को बुलाएंगे। चलो छोड़ो, चलो। तभी बीआरवा के एजेंट को बुलाने भाई। मुंह नोच लेंगे। क्या है ये, एलियन लगती है मुझे। एक मिनट शांति रखिए प्लीज। दौलतराम जी, वसंत भैया, जल्दी से स्पेसशिप निकालिए, आपके जाने का वक्त हो गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, प्लीज। बैग से। बैग में? किसका बैग है भैया? नहीं नहीं, बैग 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 में से।